दोस्तों, यह कहानी है फ्लॉयड मेवेदर की, जिन्हें फ्लॉयड मनी मेवेदर भी कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया के रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। जिसके अलावा फ्लॉयड मेवेदर दुनिया के एकमात्र बॉक्सर है जिन्होंने 5 अलग अलग वेट डिवीजन में रिकॉर्ड बनाया है, 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। फ्लॉयड मेवेदर को दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 4 बार रिटायर होने के बाद भी रिंग में वापसी की और अपने अब तक के पूरे करियर में पूरे 50 फाइट्स लड़े हैं। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो इन 50 बॉक्सिंग मैच में एक भी मैच नहीं हारे। लेकिन फ्लॉयड मेवेदर दुनिया के जबरदस्त बॉक्सर और सबसे अमीर खिलाड़ी बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें इस मुकाम को हासिल करने के लिए कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा था। तो चलिए आज बात करते हैं इस लाजवाब सितारे के जिंदगी के बारे में। मेवेदर का जन्म 24 फरवरी 1977 को मिशिगन के एक बॉक्सिंग फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम फ्लॉयड जॉय मेवेदर जूनियर है। उनके पिता फ्लॉयड मेवेदर सीनियर भी एक अच्छे बॉक्सर थे और उनके अंकल रोजर मेवेदर WBA सुपर फेदरवेट और लाइटवेट चैंपियनशिप थे। बचपन से ही बॉक्सिंग के माहौल में पले बड़े होने के कारण जूनियर मेवेदर का ध्यान भी बॉक्सिंग की तरफ ही हो गया था। महज 7 साल की कच्ची उम्र में ही उन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई के लिए ओटावा हिल्स हाई स्कूल में दाखिला लिया। वो स्कूल के दिनों से ही अपने पिता के साथ जिम में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, जहां उनके पिता उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते थे। लेकिन मेवेदर अभी स्कूल में ही थे तभी उनका परिवार एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। उनके बड़े भाई, जो कि खुद भी बहुत बड़े एक बॉक्सर थे, उन्हें ड्रग डीलिंग करने के दौरान पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। उनकी माँ को भी ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। इसी दौरान मेवेदर के पिता को भी ड्रग्स डीलिंग के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इस तरह से मेवेदर का पूरा परिवार अब जेल में ही सलाखों के पीछे था। इस घटना के बाद मेवेदर पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। इस दौरान वो अकेले में बैठकर खूब रोया करते थे। लेकिन इस दुख की घड़ी में मेवेदर की दादी ने उसे संभाला और मेवेदर को बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट किया। मेवेदर अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो मेरी दादी थी जिसमें सबसे पहले मुझ में पोटेंशियल देखा था। जब मैं यंग था तब मैंने घर की खराब आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए जॉब करने की ठान ली, तो मेरी दादी ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि तुम सिर्फ बॉक्सिंग के लिए बने हो और तुम्हें बॉक्सिंग करनी चाहिए। इसके बाद से मेवेदर ने केवल बॉक्सिंग में ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया और साथ ही रिंग में जमकर पसीना भी बहाने लगे। उनकी ट्रेनिंग और मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने 15 साल की उम्र में ही उन्होंने USA के नेशनल सीनियर बॉक्सिंग में अपने से उम्र में बड़े और पावरफुल बॉक्सर को हराकर चैंपियनशिप जीत ली थी। ऐसा करते ही वो USA के यंगेस्ट बॉक्सर भी बन गए और साथ ही उन्होंने गोल्डन ग्लव्स भी जीत लिया, जिन्हें बॉक्सर की दुनिया में लेजेंड मोहम्मद अली ने भी जीता था। मेवेदर ने 11 अक्टूबर 1996 को मेक्सिको के बॉक्सर रॉबर्टो के खिलाफ फाइट करते हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने अपने पहले मैच में ही अपने जबरदस्त घुसों से अपने ऑपोजिट बॉक्सर की हालत खराब कर दी और दूसरे राउंड में ही उसको नॉकआउट करके अपने विजय अभियान की शुरुआत की। उस समय अंकल रोजर मेवेदर ही उनके कोच थे और उन्होंने ही मेवेदर को इस मैच के लिए ट्रेन किया था, क्योंकि मेवेदर के पिता, जो कि मेवेदर के बचपन के कोच भी थे, उस वक्त ड्रग्स के केस में ही वो जेल के सलाखों के पीछे थे। जब उनके पिता जेल से रिहा होकर वापस आए तब उनके बाद मेवेदर को सीनियर ही ट्रेनिंग दिया करते थे। शुरुआत के 2 साल में ही मेवेदर ने दुनिया को अपनी प्रतिभा से वाकिफ कर दिया था। 21 साल की उम्र में द रिंग मैगजीन में उन्हें अपनी कवर पेज में जगह दी, जिसमें कभी मोहम्मद अली ने भी अपनी जगह बनाई थी। इसी के साथ मेवेदर जूनियर ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। साल 2015 तक मेवेदर जूनियर ने 47 फाइट लड़ी, जिसमें से उन्होंने सारे मैच जीते और एक भी मैच नहीं आ रहा था। इस दौरान वो 5 अलग अलग वेट डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बन चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन बॉक्सिंग की दुनिया में एक और चमकता नाम है फिलीपींस के मैन पेथिया, जो कि एक खुद महान बॉक्सर है। लेकिन अपने बॉक्सिंग करियर के दौरान रिंग में थर्ड मेवेदर और मैनी पेथिया का कभी एक दूसरे से कभी आमना सामना नहीं हुआ था। इस वजह से साल 2015 में इन दोनों के बीच एक मैच रखा गया और इसे फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। इस मैच की प्राइज मनी थी लगभग 2,000 करोड़ रुपए और 12 राउंड तक इस बेहतरीन मुकाबले को भी आखिरकार फ्लॉयड मेवेदर ने ही जीता। इसके साथ ही फ्लॉयड मेवेदर ने बॉक्सिंग की दुनिया में एक बार फिर अपनी बादशाहत को कायम रखा। इस मैच के बाद उन्होंने 2019 7 दिसंबर को बॉक्सिंग की दुनिया में द बिस्ट के नाम से मशहूर फ्लोरिडा के आंद्रे बेटो से फाइट लड़ी और इस मैच को भी मेवेदर ने जीतकर अपने चाहकों को लगातार उन 50 मैचों में अनडिफिटेड रखा। उसके बाद उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। साल 2015 में भी वो अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 100 हाईएस्ट पेड एग्जिट सूची में पहले नंबर पर रहे। उससे पहले साल 2012 में भी वो इस लिस्ट में पहले नंबर पर थे।
साल 2017 में UFC चैंपियन रहे। 28 साल के आयरलैंड के कॉनर मैकग्रेगर जो 40 साल के रिटायर हो चुके फ्लायर मेवेदर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। मेवेदर ने भी उसकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। 3,000 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के साथ ये मैच बॉक्सिंग इतिहास का सबसे महंगा मैच भी साबित हुआ। 10 राउंड तक चले इस घमासान मुकाबले को आखिरकार फ्लॉयड मेवेदर ने ही जीत लिया और इस जीत के साथ उन्होंने लगातार 50 मैचों में अनडिफीटेड रहने का एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया। कारनामा करने वाले फ्लॉयड मेवेदर दुनिया के पहले और अब तक के एकलौते बॉक्सर है। उन्होंने साल 2008 के WWE के एक मैच के दौरान रे मिस्टेरियो के बचाव में आते हुए बिग शो पर अटैक कर दिया था। उसके बाद बिग शो ने मेवेदर को रेसलमेनिया इवेंट में 1-on-1 नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में लड़ने के लिए चैलेंज किया, जिसे मेवेदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद रेसलमेनिया इवेंट में एक बिग शो के खिलाफ मैच का आयोजन किया गया, जहां पे वो बिग शो जैसे रेसलर का मुकाबला करते हुए दिखाई पड़े और उन्होंने इस खतरनाक मुकाबले में भी अपने जबरदस्त घुसों से बिग शो को रिंग पर नॉकआउट करके अपने अनडिफीटेड रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें फाइट लड़ने के लिए $20 मिलियन मिले थे। मेवेदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हारने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है और जब कभी उन्हें लगता है कि उसमें कुछ वीक पॉइंट है तो उन्हें दूर करने के लिए जी जान जोड़ देते हैं और अपने उस वीक पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल देते हैं। इसके अलावा वो अपने ट्रेनिंग के प्रति काफी डिसिप्लिन भी है और वो इससे किसी भी कीमत पर समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। ये खासियत ही उन्हें औरों से अलग बनाती है। जहां एक तरफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी शानदार और सफल रही है, वहीं दूसरी तरफ मेवेदर की पर्सनल लाइफ उन्हें विवादों से भरी रही है। वो धोखाधड़ी और डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप में कई बार जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई लड़कियों को डेट किया। सबसे पहले उनकी जिंदगी में आई जेसी के साथ वो 14 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हुए। जेसी से अलग होने के बाद उन्होंने मेलिसा ब्रिम के साथ नजदीकियां बढ़ानी चालू कर दी। लगभग 2 सालों तक चले इस रिश्ते को मेवेदर ने मेलिसा को भी किनारा कर दिया। इसके बाद भी उनके कई लड़कियों से संबंध रहे हैं। हालांकि वो एक अच्छे पार्टनर तो नहीं बन सके, लेकिन वो अपने सारे बच्चों को एक अच्छे पिता की तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज फ्लॉयड मेवेदर दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी है। वो लास वेगास में 22,000 स्क्वायर फुट में बने एक आलिशान बंगले में रहते हैं, जो कि कई सारे सुख सुविधाओं के साथ साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसके अलावा वो लास वेगास में ही एक मेवेदर बॉक्सिंग क्लब के नाम से अपना एक बॉक्सिंग जिम भी चलाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास तो 100 से ज़्यादा लग्जरी कारें भी है, जिसमें रोल्स रॉयल, बेंटली, बुकाटी वेरोन, एस्टन मार्टिन, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कारें हैं, जो दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। फ्लॉयड मेवेदर अपने इस सक्सेस का क्रेडिट अपनी कड़ी मेहनत और अपनी दादी को देते हैं, जिन्होंने उन्हें हमेशा बॉक्सिंग करने के लिए मोटिवेट किया था। तो दोस्तों, ये थी वर्तमान समय की दुनिया के सबसे महान और अमीर बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर जूनियर की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट।